हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं यूपीएसएससी आईटी स्टेट के लिए, उनका जो एग्ज़ाम जो है होने वाला है अप्रोक्स 22 फरवरी या फिर 25 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो हम लोग एक स्ट्रेटजी प्लान लेके आए हैं, जो आपका 20 दिन का स्ट्रेटजी प्लान है। इस 20 दिन में जो है डेली जो है हम आपको अप्रोक्स इम्प्लिमेंटी स्किल के जो भी टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे टॉप 25 क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करने के प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन जो भी उसको भी जो है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि जो है सिलेक्शन लिया है इसलिए सिलेक्शन दिलाऊंगा, इसी मोटिवेशन के साथ जो है हम लोग अब डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। जो भी हमारे पास जो नोट्स है वही नोट्स को जो है हम आपको शेयर करने के प्रयास करते हैं। यदि आप इस पीडीएफ फाइल को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को जो आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद यदि अभी तक जो है हमारा फर्स्ट सेकंड वीडियो अभी तक नहीं आप देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो वहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट क्या है, पोस्को एक्ट क्या है, जितने भी एक्ट होते हैं सारे एक्ट जो है हम लोग फर्स्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एक बार उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो आज इतने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, सारे क्वेश्चन को जो हम आपको डिस्कस कर बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला, किस किस टाइप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूआर जो है आपका सिलेबस में लिखा हुआ कि क्यूआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेके आए। क्यूआर से रिगार्डिंग एक्ट है, फिर कम्युनिकेशन इंग्लिश, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगे, फिर जो भी अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो जो है आप उसको देख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जो है क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग का। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, हम लोग का जो है इंडिया इज ए कंट्री, फर्स्ट है इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, क्या अविकसित या फिर विकसित या फिर विकासशील देश है, फिर इनमें से कोई नहीं है, अनडेवलप्ड या फिर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग या फिर नॉन ऑफ द एबव, है ना। तो भारत क्या एक देश है, है ना। तो भारत हम लोग क्या है, इसका सी ऑप्शन है डेवलपिंग विकासशील देश है। विकासशील मतलब कहने का होता है, विकासशील कहने का मतलब होता है कि जो विकसित ना हुआ हो परंतु विकास के मार्ग पे प्रगतिशील है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकासशील कहते हैं। जैसे हम लोग का देश है तो हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, विकासशील देश प्राय उन देशों या क्षेत्रों को कहा जाता है जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जिसको हम लोग GDP बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया फिर पश्चिमी यूरोपीय देशों से स्तर से कम है, है ना। उन देशों के जो हम लोग बोलते हैं विकासशील, मतलब वो डेवलप हो रहा है, वो डेवलप नहीं कर चुका है, है ना, दिक्कत तो नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकासशील देश। इसका सी आंसर हो जाएगा डेवलपिंग। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम में 110% हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एमंग द कम्युनिटी, स्टार्टअप समुदाय के बीच जो है उद्यमों को समर्थन करता है, स्टार्टअप इंडिया किन किन जो है समुदाय को ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टार्टअप इंडिया होता क्या, स्टार्टअप इंडिया जो है कब लागू किया गया, स्टार्टअप इंडिया लागू करने का पर्पस क्या था गवर्नमेंट का। इससे पहले जो हम लोग का जो सेकेंड वीडियो है वहाँ पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्टअप इंडिया से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो फिलहाल हम लोग जानेंगे इसका सही आंसर कौन सा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना सही नहीं है, जो भी बच्चे नहीं देखेंगे भाई उसको जाकर देख सकते हैं। तो जनरली जो है इंडिया स्टार्टअप इंडिया जो सपोर्ट करता है SC ST कम्युनिटी को, फिर उसके बाद वुमेन को भी सपोर्ट करता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वुमेन एंड SC ST कम्युनिटी स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो इजीली से आपको लोन मिल जाएगा, फिर कुछ हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बिल वाज इम्प्लीमेंटेड, विधेयक माल या फिर सेवा कर GST में लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि GST कब लागू किया गया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे GST है क्या। तो GST जो है यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, जिसमें मूल्यवर्धित टैक्स, सेवा टैक्स या फिर जब हम लोग जो सामान खरीदते हैं खरीद टैक्स, सीमा शुल्क टैक्स जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष टैक्सों के बदलने के पेश किया जाता है ना। यह टैक्स जो है पूरे भारत पर लागू होता है, दिक्कत तो नहीं है। ये जो GST टैक्स जो है आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, दिक्कत तो नहीं है, ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उसके बाद जो है जीएसटी का जनक किसे माना जाता है, ये भी अगर क्वेश्चन अगर कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी का जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है तो जीएसटी का जनक जो जनरली है हम लोग किसको बोलते हैं, फ्रांस को बोलते हैं। जीएसटी का जनक जो है जनरली हम लोग किसको बोलते हैं, फ्रांस को बोला जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा कर का जो है जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस ही पहला देश था, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जनक बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MSME, है ना, MSME का जो है फुल फॉर्म क्या है। इससे जो सेकंड वीडियो उसमें भी अगर इस वीडियो आप अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जितने भी हमारे जो फर्स्ट सेकंड वीडियो उसके बाद जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हम जो पहले क्वेश्चन आ गए वहाँ पर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो फिलहाल हम लोग जानेंगे MSME क्या है। ये जो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, है ना। ये जो है आपका 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 2006 को यहाँ पे लागू किया गया था। यह सेक्टर जो है MSME सेक्टर जो है देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। MSME क्या कहता है, छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्री होते हैं जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। इसके द्वारा जो बहुत सारे रोजगार जो ये रोजगार भी बहुत को देता है MSME, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसका पहला इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा। ये क्वेश्चन जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर आके आप इसको बोल सकते हैं कि नहीं आया सर। कार्डियल नंबर किसको बोलते हैं, कार्डियल नंबर वही संख्या होते हैं जिनका उपयोग जो है हम लोग किसी भी चीज़ को गिनने के लिए किया जाता है, है ना। जैसे हम लोग 1 2 3 4, दिक्कत नहीं, और क्रामिक के रूप में वो चलती रहती है, भिन्न में ये नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियल नंबर। एक दिक्कत तो नहीं, 4 10 1 क्या, तो इसमें जो हम लोग का ये 1 जो है ये हम लोग का क्या है, कार्डियल नंबर है। दिक्कत तो नहीं, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, एक इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एक नहीं कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन है, विच इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, है ना। आंसर में जो है कौन एक ऐसा वर्ड है जो साइलेंट के रूप में रखा गया है, उसको उच्चारण हम लोग नहीं करते, आंसर देख रहे हैं, जब उसको हम लोग उच्चारण करें प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या, आंसर कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, आंसर, है ना। डब्ल्यू हम लोग का छुपा हुआ है, आर भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, लेकिन हम लोग का डब्ल्यू जब हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम लोग का जो डब्ल्यू है ये हम लोग का ये साइलेंट है। आप जब भी अगर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश से जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं वोवेल ये सब आप एकदम देख के जाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करिकुलम वीटाई सीवी इज ऑल्सो नोन एज, है ना, करिकुलम वीटाई को रूप में किसके रूप में भी जाना जाता है। तो जनरली जो हम लोग सीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिज्यूम भी हम लोग बोलते हैं, है ना। बहुत कोई सीवी बोलता है, बहुत कोई रिज्यूम बोलता है, आपके एग्जाम में शायद ये भी पूछा जाए कि सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, है ना। क्योंकि इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपके इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, जो थोड़ा सा नॉर्मल ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे जब हम फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किए तो वहाँ पे हम बताए थे कि रिज्यूम जो बनाने का तरीका कैसा होता है, रिज्यूम को हम लोग कितने पेज में बनाना है, रिज्यूम बनाने के लिए जो क्या क्या पॉइंट है वहाँ पे अपनाना है, वो सारा डिस्कशन वहाँ पे कर चुके हैं, तो एक बार उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, दिक्कत नहीं। जिसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का रिज्यूम, जब हम रिज्यूम बनाए तो शॉर्ट तरीके से बनाए और अच्छी तरीके से बनाए। अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिज्यूम हम लोग कहाँ पर सबमिट करते हैं, रिज्यूम कहाँ सबसे पहले सबमिट दिया जाता है, वो भी इस टाइप से भी क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FY SMS में जो है FY एक यूज किया जाता है, इस ये FY का मतलब होता क्या है, है ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, या फॉर योर इंटरनेट, या फिर फॉर योर इनोसिएशंस, है ना। तो जब हम लोग SMS में FY यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए FYI यूज करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा हम लोग का फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि SMS का जो है पूरा नाम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, CPU कंसिस्ट ऑफ CPU के होते हैं, CPU में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। CPU को जनरली हम लोग कंप्यूटर का माइंड भी बोलते हैं, दिमाग का भी क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, तो CPU कहा जाता है। तो यहाँ पर CPU में क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, या फिर ALU स्टोरेज डिवाइस एंड ALU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो जनरली जो होता है CPU में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस रीजनल नेशनल ग्लोबल
सदी क्वेश्चन उस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, एक बार उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो अगर नेशनल एरिया में अगर हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम लोग अगर लोकल एरिया में काम करना रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस टाइप का नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। ये तो 110% है कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाएगा, है ना। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पेशल जो है सिलेबस में लिखा हुआ QR पढ़ने के लिए, तो ये आपको पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूछा जा सकता है तो QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, QR कोड का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। एक बार कोड होता है, इस बार कोड जब रिस्पॉन्स स्कैन करोगे तो यहाँ पर तुरंत वो रिस्पॉन्स दे देगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं QR, है ना। ये मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को क्विक रिस्पॉन्स, दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर, है ना। प्राइमरी डिवाइस स्टोरेज है क्या, DVD, CD, R, RAM या फिर ROM, तो हम लोग या USB, तो हम लोग का RAM ROM जो है हम लोग का ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, 21वीं सदी की शुरुआत में कौन से औद्योगिक क्रांति चल रहा है। तो जनरल हम लोग जानेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है, ये औद्योगिक क्रांति कब से चल रहा है, है ना, दिक्कत तो नहीं है। औद्योगिक क्रांति क्या है, मानव के हाथों के द्वारा जो श्रम जो हम लोग काम करते थे बाय हैंड, लेकिन अभी जो क्या चल रहा है वो वहाँ पे हम लोग मशीनों का यूज करके जो है उत्पादन या फिर जो भी काम वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोल रहे हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। पहली औद्योगिक क्रांति जो है 1780 से 1850 के बीच में के दशक में ब्रिटेन ने उद्योग और अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन किया था। पहली औद्योगिक क्रांति अगर हम बोले कहाँ पर हुआ था, तो पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था। अगर इसी पूछ दिया है तो ऑप्शन में क्या देना है आंसर में, 1780 से 1850 के बीच में, दिक्कत तो नहीं है। जनरली जो पूछा कि भारत में जो अभी कौन सा औद्योगिक क्रांति चल रहा है, तो जनरली जो हम लोग भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति चल रहा है। इससे पहले क्या है, 21वीं पूछा है तो 18, 19, 20 भी होगा, तो वही हम आपको डिस्कस करके बताने वाले कि पहला क्या क्या होने वाला है, देख सकते हैं, है ना। पहला जो 18वीं सदी में ये हम लोग का होता है पहली औद्योगिक क्रांति, 18वीं सदी में पूछ दिया कि भारत में जो है कब हुआ था औद्योगिक क्रांति पहली, तो ये हम लोग 18वीं सदी में हुआ था। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हम लोग विकसित वस्तुएँ कॉटन मिल का यूज किए थे हम लोग, फिर भाप इंजन का प्रयोग हम लोग किए थे, भाप इंजन वाली ट्रेन का यूज किए थे, ये हम लोग का पहले में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगर बात करें 19वीं सदी में, ये हम लोग का हुआ था दूसरी औद्योगिक क्रांति, है ना, दूसरी औद्योगिक क्रांति हुआ था, दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ था कि विकसित वस्तुएं जैसे बिजली, कपड़े, कार और दूसरे वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा आपका, ये 19वीं सदी में। उसके बाद हम लोग का जो 20वीं सदी में होने लगा, 20वीं सदी में हम लोग क्या आ गया, ATM मशीन आ गया, है ना। आप कमेंट करके बता सकते हैं ATM का फुल फॉर्म क्या है। तो 20वीं सदी में जो हम लोग विकसित वस्तुएं जैसे कंप्यूटर आने लगा, इंटरनेट आने लगा, हमारे काम को आसान बनाने वाली कुछ मशीनें जैसे आने लगी, ATM आने लगी, है ना, ट्रैक्टर, ये सब हम लोग का जो है 20वीं सदी में आने लगा, दिक्कत तो नहीं है। तो ये हम लोग का हो जाएगा तीसरी औद्योगिक क्रांति। अगर पूछे जाए कि तीसरी औद्योगिक क्रांति जो है, एक सेकेंड, तीसरी औद्योगिक क्रांति कब है, तो ये आपका 20वीं सदी में, दिक्कत तो नहीं है। तीसरी औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, हम लोग का कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर हमारे काम को आसान करने वाले वहाँ पे हम लोग का 20वीं सदी में वो आ गया था। क्वेश्चन है कि 21वीं सदी में क्या है, तो 21वीं सदी में जो जनरली है जितने विकसित वस्तुएँ हैं जैसे लोगों के काम करने के लिए रोबोट अभी आ गया है ना, इंटरनेट आधारित नौकरियाँ आ गई, पूरी दुनिया जो अभी इंटरनेट में ही काम कर रहा है। आप देखिए इंटरनेट के चलते ही जो है आप जो हम जो वीडियो प्रोवाइड करें वो वीडियो को आप देख पा रहे हैं, कुछ भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना गूगल में तो तुरंत सर्च कर सकते हैं। यदि उसके बाद जो अगर आप GPS के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि GPS क्या है, GPS के माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं कि अभी जो आप हैं कहाँ पे हैं, कहीं अगर जाना है तो उसको हम कैसे, ये जो है सारे जो सुविधाएं हैं जो विकसित हैं हम लोग का जो ये 21वीं सदी में ये आ गया। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसी जो ही है किस सदी को 4.0 कहा जाता है ना, कभी क्वेश्चन पूछता है किस सदी को 18, 19, 20, 21 इनमें से किस सदी को जो है हम लोग का 4.0 कहा जाता है। तो हम लोग को जनरली जो होता है चौथी औद्योगिक क्रांति जो है आपका 21वीं सदी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 4.0 उद्योग भी कहा जाता है। तो इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे पॉइंट जो है हम आपके साथ शेयर किए, है ना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं SVG फाइल मीन्स क्या होता है, SVG फाइल मतलब होता क्या है ना। तो SVG फाइल एक ऐसा है
छवि की गुणवत्ता खोए बिना जो है किसी भी आकार के में बदला जा सकता है। सपोज कोई चीज़ फोटो है, इसको जब कन्वर्ट करते इसमें जो आपको ना शेप का चेंज होगा ना ही आपका जो इसका क्वालिटी में चेंज होने वाला है, चाहे इसको आप कितना भी बड़ा कर लो या फिर छोटा कर लो, ये इसमें जो है कुछ भी गुणवत्ता में प्रभावित नहीं करता है। इसको हम लोग बोलते हैं SVG फाइल, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं SVG फाइल। एक जैसे दिखेंगे, साफ और स्पष्ट दिखेंगे, चाहे आप उसको जूम कर दो या फिर छोटा कर दो। इसका प्रयोग जनरली हम लोग कहाँ वेबसाइट में करते हैं, बड़े या छोटे करने के लिए, दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा कि फुल फॉर्म क्या है, तो SVG फाइल मतलब होता है आपका सीनियर वेक्टर ग्राफिक्स स्केलेबल वेन ग्लिट्स या फिर स्केलेबल, यहाँ पे एस छूट गया, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स या फिर स्केलेबल वेन ग्राफिक्स फाइल। तो जनरली जो होता है आपका SVG फाइल मतलब होता है आपका स्केलेबल वेन ग्राफिक्स फाइल, ये इसका सही आंसर है ए, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, है ना, ग्रीन जॉब्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम लोग को क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग को, दे मेक मोर पोल्यूशन, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे मेक मोर पोल्यूशन, इट्स इजी टू डू, इट्स फॉर सिटी इम्प्लॉइज, है ना। ये ग्रीन जॉब्स मतलब ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कम छोड़ते हैं, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन टूडेज टाइम स्किल हैज बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स, है ना। अभी के टाइम में जो है स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो बहुत जगह पे आपको काम आ सकता है। पहला एक्टिंग, डिजिटल, पेंटिंग या फिर डांसिंग। तो अभी का जो स्किल इंडिया हो चुका है आपका डिजिटल, है ना, आप घर बैठे भी कुछ भी डिजिटल काम करके जो है अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन, डिजिटल। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द एप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजबिलिटी एंड रिलेबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, है ना, दिक्कत तो नहीं है। नेम द, इनमें से कौन सा ऐप ऐसा है जिसका पर हम यूजबिलिटी रिलेबिलिटी के लिए करते हैं, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्या फेसबुक हम लोग यूज करते हैं, क्या व्हाट्सअप यूज करते हैं, फिर ओवरलाइन स्काइप यूज करते हैं, फिर GBO यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग फेसबुक जो मल्टी जो है क्या बोलते हैं उसको इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप ये तो नहीं है, लेकिन इसका जो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं GBO। GBO एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा जो हम लोग ऑफलाइन भाषा जो है, GBO एक मोबाइल ऑफलाइन जो है भाषा अनुवाद एप्लीकेशन ऐप है, यह एक ऑफलाइन वॉइस को जो ट्रांसलेट करता है, है ना, फ़ोन या डाटा को कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, है ये दिक्कत तो नहीं है। GBO क्या है, एक मोबाइल ऐप है जिसके प्रयोग के द्वारा जो हम लोग इसमें डाटा के कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिस उसके बाद जो ये कन्वर्ट कर देता है लैंग्वेज को, भाषा को। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का GBO। अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार योग्यता स्किल पोर्टल है, है ना, निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका पोर्टल स्किल के लिए है, निमी पोर्टल है, NSDC है, भारत स्किल पोर्टल है, फिर NAPS पोर्टल है। ये सारे इम्पोर्टेंट पोर्टल जो है स्किल इंडिया के लिए बनाए गए हैं। इस पोर्टल में जाके जो है आपको जो भी चीज़ चाहिए IT से रिगार्डिंग या फिर स्किल इंडिया के रिगार्डिंग या फिर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रिगार्डिंग या फिर अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, तो सारे ये पोर्टल में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ऑल ऑफ द एबव। हम आपको बताएं कि NAPS क्या है, अप्रेंटिसशिप है ना, अप्रेंटिस NAPS क्या है, नेशनल अप्रेंटिस प्रोविजन स्कीम क्या है, भारत स्किल क्या है, NAPS के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स डिस्कस किए कि किस एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस कराया जाता है, कितने साल के बच्चे को जो अप्रेंटिस किया जा सकता है, कितने साल के लिए जो सॉरी कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अप्रेंटिस करने के लिए, अप्रेंटिसशिप कैसे रजिस्टर किया जाता है, वो सारा पॉइंट जो हम लोग शायद फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो एक बार उस वीडियो को जो है आप जाके चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से हेल्प कर पाओ। अगला क्वेश्चन क्या, श्रम कानून को कवर करता है, है ना, श्रम कानून किसको कवर करता है, औद्योगिक संबंध, कार्यस्थल, स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार, मानक या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो जनरली जो श्रम कानून जो है, लेबर एक्ट जो है, ये औद्योगिक संबंध का भी कवर करता है, कार्यस्थल में स्वास्थ्य सुरक्षा के अकॉर्डिंग भी कहा था 1958 जो है आपका उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है, है ना, राज्य इंश्योरेंस 1948, रोजगार मानक भी करता है, इसका उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
दिक्कत नहीं। इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पर भी अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर इसमें कुछ अगर हम और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, यदि हमारा जो बताने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। दिक्कत तो नहीं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिल्म में नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए थैंक यू। और स्पेशल थैंक यू उनके लिए भी जो आप हमें पर विश्वास किए हैं, और हमारा जो परिवार अभी 1000 के प्लस हो चुका है, 1K हमारा भी परिवार बढ़ गया है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, है ना। फिल्म में नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए थैंक यू।